बेतिया शहर में एक पुराना बस स्टेशन है जिसके अंदर जाकर बस बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। इस स्थान पर कोई यात्री प्रतीक्षालय भी नहीं है। मध्य प्रदेश का यह शहर जो मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसकी सीमा से यात्री अंतर राज्य परिवहन करते हैं। यहाँ से होकर यात्री महाराष्ट्र के नंदुरबार, मुंबई, पुणे, गुजरात, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद व अन्य शहरों की ओर आवागमन करते हैं। वही नियमित बसें सूरत, धूलिया, डोंडाइचा, नंदुरबार, शहादा आदि संचालित होती रहती है। अंतर राज्य परिवहन स्थल होने के बाद भी यहाँ एक व्यवस्थित बस स्टेशन का अभाव है, जिसके चलते यात्री सड़कों पर ही वाहनों की प्रतीक्षा करने को मजबूर है। पूर्व में नगर पंचायत द्वारा बस स्टेशन के विकास हेतु कार्य प्रारंभ किया गया, जिस पर कुछ दुकानें जरूर बनी किंतु यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय नहीं बन पाया। स्थानीय बस स्टेशन पर न बस प्रवेश कर सकती है और न ही बैठने का स्थान है, जिसके चलते एक सुव्यवस्थित बस स्टेशन की आवश्यकता खेतिया शहर में महसूस की जा सकती है। खेतिया शहर में यात्री हेतु सुविधाएं के नाम पर कुछ नहीं है। भीषण गर्मी में यात्री सड़क किनारे बैठकर खड़े रहकर बस की प्रतीक्षा करने को मजबूर है। क्या कहते हैं जिम्मेदार, आइए सुनाते हैं। खेतिया के बस स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मोहन जी? अलावा अभी संज्ञान में आया है तो हम लोग अस्थायी रूप से अभी वर्तमान में व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति शासन से भी हम प्रस्तावित करेंगे, क्योंकि हमारे खेते शहर से महाराष्ट्र जो से लगा है तो आवागमन गुजरात महाराष्ट्र की बसें का आवागमन होने से देखा गया है, लेकिन हम लोग अभी अस्थायी आने जाने के जो बसों का टाइम का भी निर्धारित करवाएंगे और अतिशीघ्र व्यवस्था करवाएंगे। खेतिया से जितेंद्र सनेर की रिपोर्ट।